सभी का नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज, आप देख सकते हैं बाइक जो है वो वाइट स्मोक दिखा रही है। यदि बाइक वाइट स्मोक दिखाए तो उस बाइक के अंदर जो प्रॉब्लम आता है वो पिस्टन रिंग का आता है। या तो उसके अंदर रिंग चेंज करने पड़ते हैं या फिर उसके अंदर पिस्टन रिंग डालने पड़ते हैं। बाइक है बजाज प्लैटिना कॉम्फर्टेक, जिसके अंदर हम पिस्टन रिंग फिटिंग आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस कवर को खोल लीजिए। ये हेड के ऊपर एक कवर लगा होता है, वहाँ पर दो एचटी कॉइल मिलेंगी क्योंकि बाइक डीटीएस वाली है, तो दो एचटी कॉइल लगे हैं। दोनों को खोल लीजिए और उसके बाद ये जो कवर होता है इसको आप निकाल लीजिए। देख सकते हैं ये निकल चुका है और इसके अंदर बहुत गंदगी है क्योंकि शायद टाइम पर सर्विस नहीं हुआ है। और उसके बाद ये साइलेंसर को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और उसके पहले आप यहाँ पर प्लग को खोलिए और उसके बाद अंदर जो कैप है उस कैप को इस तरह से निकाल लीजिए। ये एल की बोल्ट जरूर खोल लें, छोटा सा लगा होता है नीचे। और उसके बाद यहाँ पर टाइमिंग चैन की जो पॉकेट है उसमें एक एल की बोल्ट लगा होता है, उसको भी खोल लीजिए। और जब वो खुल जाए तो आपको इस बोल्ट के अंदर एक वाशर मिलेगी, उसको निकाल लें और जो टाइमिंग चैन पॉकेट है उसको चैन से अलग कर लें। और ये जो बुश अंदर है उस बुश को भी निकाल लीजिए। उसके बाद ये पाइप, इसको भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। आगे कार्बोरेटर के जो 8 mm के बोल्ट लगे हैं उनको भी डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और ये जो इंजन को वाइब्रेट होने से जो पत्ती रोकती है उसको भी आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए। और ये प्लेट लगी है हेड के ऊपर, इसमें 12 mm के बोल्ट लगे हैं जो लंबे स्टड होते हैं, उनको भी आप खोल लीजिए। और उसके बाद ये जो प्लेट है उसको खोल लीजिए। और जो टेम्परेचर सेंसर है उस पर एक 8 mm का बोल्ट लगा होता है, उसको भी खोल लीजिए। और इस तरह से जो है हमारी जो बाइक है उसका हेड निकल जाएगा। और उसके बाद जो सिलेंडर है, सिलेंडर को भी आप इस तरह से प्यार से उठाएं। स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल जहाँ पर इसका फेस होता है वहाँ पर बिल्कुल ना करें, बाहर से ही थोड़ा सा ऊपर उठाएं। तो इस तरह से जो हमारा देख सकते हैं पिस्टन रिंग जो है अब आपको दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं ये शायद बाइक थोड़ा बिना तेल के भी चली है, इंजन ऑयल के सीज हुई है, निशान पड़े हैं पिस्टन पे। और सबसे पहले जो है हमें जो है इसका जो पिस्टन का लॉक है उसको निकालना है। इस तरह से इसको आप लॉक को डिस्कनेक्ट कर लें और अब दूसरी साइड में जाके पिस्टन पिन को हल्का सा धक्का दें और देख सकते हैं पिस्टन जो है वो अलग हो चुका है। तो अब सबसे पहले जो है हमें हेड के अंदर वाल डालने होते हैं। तो वाल हम यहाँ पर ओरिजिनल यूज कर रहे हैं और पिस्टन यूज कर रहे हैं गोड्स का। आप चाहें तो जैसा आप यूज करते हैं, कुछ लोग ऊषा का यूज करते हैं पिस्टन और वाल ऊषा का यूज करते हैं, अलग अलग कंपनियों के मिस्त्री इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो बजाज जेन्युइन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और देख सकते हैं वाल देखने में कैसे होते हैं वो देख लीजिए। बजाज जो कॉम्फर्टेक है उस बाइक के, तो ये इसके वाल हैं ओरिजिनल, देख सकते हैं। इस पर कोई अलग से कोई मार्का नहीं है, B4D लिखा है और दूसरे पे B4D1। तो ये ओरिजिनल वाल हैं इसके, बजाज जेन्युइन। तो इसको ही हम इसके अंदर फिटिंग करने वाले हैं। और ये पिस्टन है, पिस्टन आप देख सकते हैं इसके अंदर क्या नंबर पिस्टन डला है वो देख सकते हैं। पिस्टन पे ऊपर लिखा होता है क्या नंबर इसके अंदर डलेगा। तो कुछ भाई पूछते हैं भाई नंबर कहाँ लिखा होता है, तो देख सकते हैं सामने इस पर लिखा है 25 पॉइंट है आगे, तो ये 25 नंबर इसको हम बोल देते हैं। ये पहली बार बाइक में डल रहा है, पहले स्टैंडर्ड होता है और उसके बाद 25 नंबर। तो ये पहली बार इसके अंदर पिस्टन डल रहा है जब से बाइक निकली है। इसकी MRP आपने देख ली और ये जो वाल की MRP है वो भी देख लीजिए, 315 रुपये। तो इसको हम इसके अंदर डालेंगे और जो पिस्टन है उसको बोर वाल कराएंगे। तो देख सकते हैं हमने जो वाल है उनको ग्राइंडिंग कर दिया है। ग्राइंडिंग का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूं, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कैसे इसको ग्राइंडिंग किया जाता है। अब हम सबसे पहले जो है इसका हेड को फिटिंग कर लेते हैं। तो हेड को फिटिंग करने का सबसे पहले जो है आपको वाल सील की जरूरत पड़ेगी। 56 इसका MRP है। ये दो तरह की होती है, एक मोटे वाल की एक पतले वाल की। तो इसके अंदर जो वाल डले हैं वो पतले वाले हैं और वाल सील जो है वो पतले वाली डलेगी, जो आमतौर पर डिस्कवर के अंदर होती है वही वाल सील इसके अंदर यूज हो रही है। डिस्कवर 100 के अंदर भी यही डलती है। बजाज जो है वो दो तरह के वाल यूज करता है,
एक मोटे वाले, एक पतले वाले। अब उसके बाद हमने वाल सील तो डाल दी। वाल सील डालने के बाद जो है हमें अब वाल को डालना है। पहले हम जो इनलेट वाल है उसको फिटिंग करेंगे, ये वासल रखेंगे और उसके ऊपर ये स्प्रिंग और दो उसके अंदर टुकड़े लगी हैं जिनको हम लॉक बोल देते हैं। अब चाहे तो यहाँ पर आप टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन जो बजाज डिस्कवर सो और बजाज प्लेटिना कॉम्फर्टेक है उसके स्प्रिंग बड़े आसानी से दब जाते हैं हाथ से। और देखिए हमने इसको हाथ से ही फिटिंग कर दिया, तो उसमें टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको थोड़ा सा अपने शरीर से जोर से इसको आप फिटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट वाल फिटिंग हो गया, अब एग्जॉस्ट वाल को फिटिंग करते हैं। तो एग्जॉस्ट वाल इस तरह से फिटिंग करें और उसमें भी एक वासल लगेगा, वासल के ऊपर वही स्प्रिंग और टुकड़े लॉक इस तरह से। अब इसको भी ऐसे ही प्रेस करें और देख सकते हैं हमारे जो दोनों वाल हैं वो फिटिंग हो चुके हैं। केम को हमने बाहर नहीं निकाला क्योंकि केम शाफ्ट को बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर एक साइड में लॉक लगा होता है जिसको आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद ये रॉकर आर्म, इसका भी आपको ऐसे फिटिंग करना है। और जो पिन है रोकर की उसको इस तरह से डालें, थोड़ा अंदर डालनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ को स्टड निकलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं ये स्टड का होल है। और उसके बाद सेकंड रोकर, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से डालें क्योंकि इसके जो रोकर आर्म्स हैं वो उसके अंदर भी रोलर डले हुए हैं, बैरिंग डले हुए हैं। ठीक है, ये डबल बैरिंग वाले रोकर होते हैं। तो आप एक बार कैम को इस तरह घुमा के जरूर देख लें क्योंकि ये फ्री घूमनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए। अब इसको जो है आप फिलर गेज के द्वारा इसकी जो टैपेट की सेटिंग है वो कर लीजिए। यदि आप गेज का इस्तेमाल करते हैं तो उससे जो है माइलेज पिकअप ज़्यादा ही अच्छा बना रहता है। वो इस तरह गेज है, चाहे तो आप इसको खरीद सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इसको खरीद सकते हैं। तो यह है पिस्टन। अब इसका जो ये निशान बना है त्रिकोण, तो ये एग्जॉस्ट की तरफ होता है जहाँ पर साइलेंसर लगा होता है, उस साइड में आपको करना है। और ये जाली है, तो पहले हम इस रिंग का इस्तेमाल करेंगे जाली वाले का। वैसे तो मैं पिस्टन रिंग को फिटिंग का एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, बार बार यदि बनाएंगे तो हो सकता है जो सब्सक्राइबर हैं वो बोर फीलिंग करें। और यहाँ से हमने इसको डाल दिया है। जो इसमें कट का निशान है उसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर यही मेन चीज़ है। जो कट का मार्क है उसको आप ऊपर की तरफ रखें, देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस जाले को डालना होता है। उसके बाद ये ऑयल रिंग, पहले हम ऑयल रिंग डालते हैं। इसको प्रेस करके देख लें कहाँ पर ये कंप्रेस ज़्यादा बनाएगा। तो फर्स्ट रिंग को हम इस तरह से डालेंगे, देख लीजिए, क्योंकि हमें जो है जो ऑयल है ऑयल के बीच में एक लेयर बनानी है, ना वो ऊपर जा सके ना वो नीचे जा सके, उसके बीच में ही एक वैक्यूम बना रहे, एक लेयर बनी रहे, जिससे जो है रिंग की लाइफ जो है वो ज़्यादा बनी रहती है। वैसे हर एक भाई अपने तरीके से रिंग पिस्टन डालता है, तो वो अपने तरीके से डालते हैं, क्योंकि यदि आपने एक अच्छे गुरु के शरण में आप हैं और उनके रिंग पिस्टन डाले हुए 3-4 साल चल जाते हैं, तो आपको कहीं और से ज़्यादा सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनसे ही सीखें। तो ये सेकंड रिंग है और इसको इस तरह से डालें, क्योंकि YouTube पर दिखाया गया वीडियो में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट रिंग हमने यहाँ पे डाले हैं, आप कौन देख सकते हैं। हर एक मिस्त्री अपने हिसाब से रिंग पिस्टन डालता है, तो इसमें मैं ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा क्योंकि हर एक मिस्त्री अपने हिसाब से परफेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम सेकंड जो कंप्रेसर रिंग है उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये जो नीचे दो रिंग डले हैं वो इंजन ऑयल को रोकते हैं ऊपर आने से, ताकि बाइक स्मोक ना दिखा सके। और जो ये दो रिंग हम डाल रहे हैं, पहला हमने ब्लैक वाला डाला और दूसरा ये स्टील वाला रिंग, तो ये जो रिंग है ये बनाते हैं बाइक के अंदर कंप्रेसर, जिससे बाइक की स्लो रुकी रहती है और बाइक के अंदर पिकअप बना रहता है। तो यदि ये घिस जाए तो उसका आप कंप्रेसर गेज के द्वारा आप पता लगा सकते हैं रिंग घसा है या नहीं। तो हमने जो था रिंग को डाल दिया है, अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और रिंग का जो सेटिंग है वो एक बार हम इस तरह से घुमाएंगे।
ताकि अच्छे से इसमें बैठ जाएं। तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, कुछ लोग यूट्यूब देख के ही उसी हिसाब से काम करते हैं, तो यदि आप एक अच्छे गुरु के शरण में हैं तो आप उनसे ही सीखिएगा। यहाँ से सिर्फ आपको ये पता लग जाएगा कि कैसे फिटिंग करना है, क्या खोलना है, उसके बाद क्या आएगा, पैकिंग आएगा, सील आएगा, क्या आएगा, ये चीज़ आप सीख सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा यदि आपके उस्ताद जी हैं, जो गुरु जी हैं, उनके डाले हुए रिंग पिस्टन 3-4 साल तक चल जाते हैं तो आप उनके शरण में रहिए और वो आपको ज़रूर बताएंगे। तो हमने रिंग पिस्टन इसके अंदर डाल दिया है, सिलेंडर के अंदर, अब फिटिंग करते हैं। तो सबसे पहले अब हमें फिटिंग से पहले जो है यहाँ पर तो डबल का यूज़ करना है और उसके ऊपर पैकिंग का, तो इसको हम सिलेंडर पैकिंग बोल देते हैं। और जो दो डबल इसके अंदर हमने लगा दिए हैं, डबल जरूर डालें क्योंकि डबल जो है पिस्टन के और क्रैंक के बीच में एक बिल्कुल सेटिंग को बरकरार रखते हैं, जिससे जो है बाइक का पिकअप बेहतर बना रहता है और बाइक जो है लीकेज में नहीं होती और बाइक के अंदर जो है वाइब्रेशन और इंजन की सेटिंग जो है परफेक्ट रहती है। कभी कई बार मिस्त्री एक डबल डाल देते हैं, एक को नहीं डालते, कैसे सोचते हैं चलो छोड़ो इसको, तो ये इसकी अलाइनमेंट करता है। यदि आप इसको सही डालेंगे तो पिस्टन की जो लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहेगी। तो छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हम कई बार इग्नोर कर देते हैं। इस तरह से आप लॉक लगाइए, और कुछ भाई पिस्टन को बाद में डालते हैं रिंग डालने के बाद, लेकिन हम कुछ और तरीके से डालते हैं, हर एक मिस्त्री अपने तरीके से काम करता है, बस काम अच्छा होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर सिलेंडर को फिटिंग कर दिया है, अब इस तरह से इसको घुमा के जरूर देख लें, चैन को स्क्रू ड्राइवर में रखें, उंगली ना डालें, कई बार कई भाई उंगली से इसको रोक लेते हैं और किक लगा के टेस्टिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है कई बार जो चैन है वो साइड में अंदर पॉकेट में फंस जाती है और जो आपकी उंगली है वो अंदर जा सकती है, थोड़ी कट सकती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल किया है वैसे आप इस्तेमाल करें। तो पिस्टन की तो फिटिंग हो गया, इसको घुमा के देखने का मतलब ये होता है जो इसके अंदर इंजन ऑयल है वो सही से, मतलब कहने का मतलब ये है उसने कहीं लेयर तो नहीं छोड़ रहा, क्योंकि जो पिस्टन रिंग है उसके अंदर एक लेयर रह जाती है। यदि उसके अंदर एक लेयर, एक लाइन सी बनी हुई आपको दिखाई दे, एक या दो, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है बाइक का स्मोक परफेक्ट तरीके से न रुके। तो ये अपना अपना तजर्बा होता है एक मिस्त्री का, तो उसी हिसाब से काम करते हैं। तो यहाँ पर भी हम दो डबल का इस्तेमाल करते हैं, पहली डबल डाल दी, अब सेकंड डबल, ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पर जो सिलेंडर पैकिंग है, सॉरी जो हेड पैकिंग है उसको हम यहाँ पर डाल दिया है और उसके ऊपर जो है हमने हेड को लगा दिया है। ऐसा मत समझिए कि मैं यहाँ पर कुछ वीडियो में कटिंग कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सीधा पैकिंग के अंदर पैकिंग लगाएं, दो डबल लगाएं और हेड को इस तरह से फिटिंग करें, इसमें कोई भी कटिंग नहीं है। वीडियो छोटा करने के लिए मैंने ये किया है। अब उसके ऊपर ये प्लेट लगाएं और उसमें जो आपने 12 mm के स्टड को खोला था उनको टाइट कर दें, तो इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है, बस बात यह है कि आपको जो है एक मैकेनिक बनने के लिए काम तो सीखना ही पड़ेगा, यूट्यूब से काम नहीं चलता, सिर्फ यहाँ से आप छोटे छोटे पॉइंट सीख सकते हैं। और उसके बाद ये कैप लगाएं और ये जो एल्की बोल्ट मैंने आपको बोला था उसको आप टाइट कर दें, और यहाँ पर वो बुश लगाएं जो हमने निकाला था, और जब ये बुश लग जाए तो उसके बाद इस जो टेंशनर है उसको थोड़ा टाइट कीजिए ताकि टाइमिंग चैन को हम इसके अंदर फिटिंग कर सकें। और इस तरह से टाइमिंग चैन को हमने फिटिंग कर लिया है। टाइमिंग का वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ जो टाइमिंग चैन आप कैसे डालते हैं, वहाँ से यदि कोई पॉइंट यहाँ पे छूट गया हो तो आप वो टाइमिंग चैन कैसे डालते हैं बजाज कॉम्फर्टक में, वो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, आप वहाँ से इस पॉइंट को सीख सकते हैं। और उसके बाद जो प्लग है उसको लगा दीजिए, और जो टेम्परेचर सेंसर है उसमें जो 8 mm का बोल्ट था उसको भी लगा दीजिए, और जो कार्बोरेटर है कार्बोरेटर पर जो 8 mm के बोल्ट लगे हैं उनको भी लगा दीजिए। तो यदि वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने वीडियो छोटा बनाने की कोशिश की है, ज़्यादा लंबा वीडियो कई बार बोरिंग बना देता है पब्लिक को और वो ज़्यादा चलता भी नहीं है। तो यहाँ पर हमने दोनों एचटी कॉइल को लगा देना है। अभी जो कवर है उसको मत लगाएं, जो कवर में 8 mm के बोल्ट हैं उसको मत लगाएं, क्योंकि एक बार बाइक को स्टार्ट करके देख लें, वहाँ पर इंजन ऑयल आना ज़रूरी है। देखिए हमने इसको स्टार्ट किया और इंजन ऑयल निकल चुका है, देख सकते हैं आगे, ठीक है, तो बाइक को बंद कर दें। जब इंजन ऑयल निकल जाए तो समझ लेना कि जो बाइक है वहाँ पर नीचे से ऑयल आ चुका है, ठीक है,
उसको टेस्टिंग करने के बाद आप जो है इसके जो 8 mm के बोल्ट हैं कवर के वो लगा सकते हैं। और उसके बाद जो पाइप वगैरह आपने खोला था उसको आप लगा दीजिए। अब जो हमारी बाइक है लगभग कंप्लीट होने को है, और जो टेंशनर है उसमें जो 10 mm का बोल्ट था उसको भी लगा दीजिए। तो बाइक हमारी अब कंप्लीट हो चुकी है, और इसका फ्यूल टैंक वगैरह लगा देते हैं। तो गाइस यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक बार मैं इसको आपको साउंड सुना दूँ और स्मोक वगैरह दिखा दूँ, बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख सकते हैं पहले जो बाइक था वो वाइट स्मोक दिखा रहा था, अब हम इसको स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अब लेते हैं एक्सीलेटर और टेस्टिंग करते हैं। देख सकते हैं बाइक के अंदर 1% भी स्मोक नहीं रहा। तो गाइज उम्मीद है वो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।